मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पर लीटर बोले या वन लीटर बोले, दोनों एक ही बात है कि वन लीटर सॉल्यूशन में अपने पास कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट को, इस चीज को अपने पास मोलारिटी रिप्रेजेंट कर रहा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, दैट इज वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक लीटर सॉल्यूशन में अपने पास कितने सॉल्यूट के मोल हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, मोलारिटी को यूज करते हैं। तो अपन वही सिंपल सा जैसे पहले लिख रहे थे कि अपने पास मान लो कि जो सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लो कुछ V है। सर हाँ सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए लिखना है। और सॉल्यूट की जब अपन बात कर रहे हैं, तो मान लो कि मैंने उसमें अपने सॉल्यूट के n मोल ऐड किए, जिसको अपन अभी से क्या लिख देते हैं, n सॉल्यूट लिख देते हैं। तो अपने को पर लीटर के लिए निकालना है मोलारिटी। तो पहली बात, अपन मोलारिटी को क्या करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कैपिटल M इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज n सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को रखना है किसमें, लीटर में, क्योंकि पर लीटर अपन निकालना चाह रहे। तो अपने क्या कर दिया, टोटल मोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो ये अपने को क्या दे देगा, मोलारिटी दे देगा कि पर लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के। तो अपने पास फॉर्मूला ये हो जाएगा कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब कभी कभी तुमको क्या दिया जाएगा, सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाएगा, तुमको मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। मेनली ऐसे यूज करते हैं अपन इसको। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अगर अपने को निकालना है, तो फॉर्मूले से आ जाएगा कि मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, अगर मोलारिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो वहां से अपन मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। मोस्ट कॉमनली अपने पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जब भी अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे तब। ठीक है, यूनिट यूनिट लगती होगी मोलारिटी। हाँ, यूनिट निकालो तुम, क्या होगा सोचो, मोल का यूनिट अपने पास क्या होता है, मोल मोल पर लीटर, वॉल्यूम को पर लेंगे कितने लीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। तो यूनिट क्या आएगा इसका अपने पास, मोल पर लीटर। अरे वो सर, मोलारिटी की वैल्यू टेम्परेचर और प्रेशर के साथ तो चेंज करनी चाहिए। ये अब हम बात करेंगे, बिल्कुल चेंज करता है, अभी बात भी करेंगे अपन कैसे करता है। हाँ, ये अपन बात करेंगे आगे, कौन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो ये सब डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे है, कभी कभी तुमको क्या करना पड़ेगा, मोल नहीं निकाल के मिली मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो, मिली मोल्स अगर अपने को निकालना है, तो कभी कभी देखो क्या होता है कि सॉल्यूशन का तुमको कुछ मोलारिटी दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी 1, 2, 3, 5, 1.5 जो भी है, और तुमको जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो मान लो कि लीटर में नहीं दे के मिली लीटर में दिया हुआ है। तो अगर तुम वॉल्यूम को लीटर में नहीं रख के मिली लीटर में रखते हो, तो वहां से जो मोल आएंगे वो मिली मोल्स आएंगे। तो कभी कभी तुमको मिली मोल्स में निकालने पड़ सकते हैं कि मिली मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मिली मोल अगर अपने को निकालने हैं, तो मिली मोल ऑफ सॉल्यूट अपने पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉरी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली लीटर। तो अगर इसको लीटर में कन्वर्ट नहीं करें, अपन डायरेक्ट मिली लीटर में रख दें, तो अपने पास जो मोल्स आएंगे वो मिली मोल्स आएंगे। तो उसको 10^-3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपस मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये अपने पास जो कॉमन फॉर्मूला है, मतलब मोलारिटी को डिफाइन तो अपन ऐसे किया कि मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूट। यूज अपने पास इस तरीके से होगा, मेनली यही यूज होता है अपने को सॉल्यूट के मोल निकालने के लिए। तो यूज के हिसाब से मैंने तुमको ये दो फॉर्मूले उसी को कन्वर्ट करके ऐसे लिखती है। तो ये यहीं से आया अपने पास, तो ये हो गया। ठीक है,
अब अपने पास पहले क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में, इसके बाद अपन और बातें करेंगे इसके बारे में, जैसे अपन किसी ने बोला था कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, वो सब भी बातें करेंगे आगे। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन लेते हैं एक तो, पहले तो कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 550 ml. अच्छा, is dissolved in water. अच्छा लिखो, it dissolved in water to give solution of 1500 ml. Find molarity of solution. चाहो तो पूरा लिख लो, find molarity of solution. तो अपने पास एक क्वेश्चन है जो कि अपने को सोल्व करना है, तो इसमें अपने को क्या बोला गया है कि 98 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है और जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वॉल्यूम अपने पास कितना है 1500 ml. अपने को मोलारिटी निकालने को बोला जा रहा है। तो अपन ने भी देखा था कि मोलारिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या है कि मोलारिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, अब अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, मोलारिटी निकालना है तो मोल निकालने पड़ेंगे। मोल निकालने के लिए अपने को क्या दिया, H2SO4 का मास गिवन है, वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है, लेकिन अपने को वॉल्यूम दिया किसमें, ml में, तो उसको अपने को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल अगर अपन निकालेंगे तो सोल्यूट अपने पास H2SO4 है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास 98/98, तो H2SO4 का अपने पास कितना आ जाएगा 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो जिस सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं उसका वॉल्यूम अपने को गिवन है कितना 1500 ml, और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.5 लीटर। तो अपने पास मोलारिटी आ जाएगा यहाँ से कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपने पास कितना गया 1 मोलर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1.5, तो अपने पास कितना बन गया 2/3। ठीक है, तो 2/3 अपने पास आ गया। ठीक है, अब ये जो 2/3 मोलारिटी अपने पास आ रहा है मोल पर लीटर यूनिट के साथ लिखो, तो इसको रिप्रेजेंटेशन का भी एक तरीका होता है, तो अपन रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर लेते हैं। तो ये नोट डाल के लिखना आगे, 2/3 मोल अपॉन लीटर। नहीं नहीं, तो इसको अपन इस तरह के लिखेंगे, देखो जो सॉल्यूशन अपने पास, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हां क्या हुआ सर, यूनिट लिखेंगे, यूनिट अभी बता रहा हूं, रुको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर मतलब क्या हो गया, मोलारिटी, मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो ऐसा लिखने का सिंपल सा मतलब ये है कि जिस सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं H2SO4 का सॉल्यूशन है वो, मतलब वहां पे सॉल्यूट H2SO4 है जिसमें उसका मोलारिटी कितना है 2/3 ml। तो ऐसा भी इसको अपन रिप्रेजेंट कर, मतलब अगर मोलारिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना तो इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। समझ में आएगा रिप्रेजेंट कैसे किया अपन ने? यस सर। हाँ, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखो नोट में ही कि मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जो मोलारिटी होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर का चेंज होती है। हाँ बिल्कुल सही, तो ये आगे अपन ये चीज बोलेंगे भी सही, एकदम सही बोला है कि जहां जहां पे अपने पास क्या होगा, जैसे अपन मोलारिटी को क्या डिपेंड कर रहे हैं कि मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
तो जहां जहां पे देखो मोल की अगर अपन बात करें तो मोल में तो एक तरीके से क्या आ रहा था, मास ही आ रहा था कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। वो मास की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। ये तुम कॉमन एग्जाम्पल कुछ भी सोच सकते हो कि जैसे अपने पास मान लो कि वाटर ही है, तो अगर वाटर को तुम मान लो कि तुम्हारे पास क्या है 15 ग्राम वाटर है, तो अगर इसको तुम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखोगे, 0 के नीचे रखोगे, तो 15 ग्राम जो रहेगा वो आइस की फॉर्म में रहेगा। अगर 0 से 100 के बीच रहते हो तो 15 ग्राम जो तुमको दिखेगा वो लिक्विड दिखेगा वाटर। अगर तुम उसके ऊपर चले जाते हो 100 के ऊपर तो तुमको वाटर वेपर बनेगी, तो उसका वेट भी कितना रहेगा, 15 ग्राम ही रहेगा। तो मास जो होता है मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, सॉरी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है या होती है अपन बोल सकते हैं, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो किसी भी चीज का एक्सपेंशन होता है और टेम्परेचर अगर कम होता है तो किसी भी चीज का कॉन्ट्रेक्शन होता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो। अब वो कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कि किस सब्सटेंस की तुम बात कर रहे हो। तो जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म में अपन जो आगे डिफाइन करेंगे, तो जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का फैक्टर आएगा वो क्या करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। याद रखने का तरीका यही होता है, तुमको कोई भी कंसंट्रेशन टर्म दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा तरीका है, अगर उसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, अगर वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोलारिटी की तो अपने को साफ दिख रहा है कि मोलारिटी में अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज होगा। तो प्रेशर पे भी डिपेंड है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो अपन ने निकाला था मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन अपन कैसे लिख रहे थे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता अपने पास, कि जिसका अपन मोल फ्रैक्शन निकालने चाह रहे उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो ये मोल फ्रैक्शन तुम मेरे को सोच के बताओ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं सर, मोल तो नहीं करेगा, क्योंकि मोल ही है, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल तो एक तरीके से अपने पास क्या है, नंबर है, या फिर उसको मास से अपन रिलेट करते हैं, तो मास तो अपने पास क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो जो अपन ने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था उसमें तुम ये भी लिख लेना कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो सोचने का तरीका वो रहेगा, वॉल्यूम का टर्म आ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं आ रहा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स अपन डिफाइन करेंगे सबके लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग तुम ऐसा कुछ डालो कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अब अपने पास इसमें भी अच्छा, तो अपने पास मान लो कि दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन टू, लेकिन दोनों में क्या है, सोल्यूट सेम है, तो ये कंडीशन अपन कंटेन सेम टाइप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों में सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, एक ही है, बस अमाउंट जो है वो अलग अलग तरीके से मिक्स किया होगा, इसलिए मोलारिटी वगैरह अलग अलग रहेगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन वन की बात करूं तो मान लो कि इसका मोलारिटी है कुछ M1 और वॉल्यूम इसका कुछ V1, और सॉल्यूशन टू की अगर अपन बात करें तो इसका मोलारिटी है M2 और इसका वॉल्यूम है क्या V2। अब अपन ने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब अगर अपन मिक्स कर देंगे तो मिक्सिंग के बाद देखो अपने पास क्या होगा कि आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो V1 plus V2, इसमें सॉल्यूशन वन है, इसमें अपने पास सॉल्यूशन टू है। अब अपन ने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स करके एक दूसरे कंटेनर में ले आया अपन इसको, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, फाइनल सॉल्यूशन। तो वन और टू को मिक्स करने के बाद तो जब फाइनली अपन मिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम तो अपने पास क्या हो जाएगा, V1 plus V2 हो जाएगा, लेकिन मोलारिटी को तो अपन M1 plus M2 नहीं लिख सकते। तो एक चीज अपने पास क्या होगा, देखो कि सॉल्यूशन वन की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपने पास जो सॉल्यूट था उसके मोल क्या रहेंगे, अगर मैं उसको बोलता हूँ N1, तो N1 इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा, M1 plus M2 V1,
इसी तरीके सॉल्यूशन टू की अगर मैं बात करूं तो इसमें सॉल्यूट के मोल अगर मैं टू से लिखता हूं तो क्या रहेगा अपने पास M2V2 ठीक है, और यहाँ पे भी वही सॉल्यूट था, यहाँ पे भी वही सॉल्यूट था, तो मोल तो मैं डायरेक्ट एड कर सकता हूँ ना, क्योंकि तो एक नंबर है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें मोल अपने पास कितने हो जाएंगे सॉल्यूट के, टोटल मोल ये मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 प्लस N2 लिख सकता हूँ। ये समझ में आया क्या? अरे हाँ ना बोलो सर, नंबर ऑफ मोल्स सर, मतलब एक बार फिर से बता दीजिए। देखो इसमें अपने पास मान लो कि कुछ सॉल्यूट था जैसे H2SO4 था, तो उसमें अपने पास मोलारिटी सॉल्यूशन का दिया था, वॉल्यूम अपने को दिया था V1, तो मोल अपने पास कितना हो गया M1V1 जो भी सॉल्यूट था उसका। दूसरा सॉल्यूशन था अपने पास, उसमें मोलारिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, तो उसमें अपने पास मोल कितने हो गए N2। तो जैसे अपन मिक्स करेंगे तो मोल इसमें अगर N1 है इसमें N2 है तो मिक्स करने के बाद तो ऐड हो जाएंगे ना यार, तो सॉल्यूट का होगा ना, लेकिन मतलब सॉल्यूट का ही तो बोला अपन ने मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए। हां ठीक, जो फाइनल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के टोटल मोल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन 1 में कितने मोल थे प्लस सॉल्यूशन 2 में कितने मोल थे, यही होगा क्या? तब तो यही होगा। यस यस तो एन वन को अपन क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी अगर अपने गिवन था तो M1V1 प्लस N2 को अपन क्या लिख सकते हैं M2V2। और जो फाइनल सॉल्यूशन अपने पास आएगा उसका मान लो कि मोलारिटी अपने पास क्या है M मिक्सचर या M फाइनल, तो M फाइनल को अपन क्या लिखेंगे कि M फाइनल इनटू V फाइनल, जो कि अपन क्या लिख रहे हैं V1 प्लस V2 V फाइनल या V टोटल जो भी अपन उसको तुम लिखना चाहो, क्योंकि वॉल्यूम तो डायरेक्ट एड हो जाएगा V1 प्लस V2। M फाइनल अपने को निकालना था कि फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी अपने पास कितना आएगा, ये अपने पास देखो कितना आ जाएगा कि M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V टोटल, दैट इज V1 प्लस V2। तो इसको चाहो तो थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हो कि M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अगर ध्यान से सोचोगे इस वाले फॉर्मूले को तो अपन ने वही किया है कि फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना था, तो फाइनल मोल कितने हो गए अपने पास सॉल्यूट के, वो निकाले अपन ने कि सॉल्यूशन 1 के मोल अपने पास आ गए M1V1, सॉल्यूशन 2 में अपने पास मोल आ गए M2V2, तो सॉल्यूट के टोटल मोल हो गए ये डिवाइडेड बाय अपन ने टोटल वॉल्यूम कर दिया क्या V1 प्लस V2, तो ये अपने पास फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी आ गया। तो फॉर्मूला अगर तुम ध्यान रखोगे तो ऐसे ध्यान रखोगे M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं किया अपन ने, वही किया जो सॉल्यूशन 1 था उसमें सॉल्यूट के टोटल मोल, सॉल्यूशन 2 में सॉल्यूट के टोटल मोल मिक्सिंग करने के बाद। हाँ ये जो M1 M2 लिखा है ये मोलारिटी है ना उस सॉल्यूट की, बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग मतलब मोलारिटी, फिर मतलब किस किसके कंपेयर में है, कंपेयर में मोलारिटी को अपन रिलेटिव थोड़ी निकाल रहे, कंपेयर में क्या हुआ M1 और M2 V2 तो सर नंबर ऑफ मोल्स है ना, नहीं ये तो मोल है M1 V1 का प्रोडक्ट, मोलारिटी की बात कर रहा हूं तो M1 M2 के भी। यस सर ये M1 तो ये अपने जब इनको मिक्स नहीं किया था उससे पहले की मोलारिटी थी, यहां पे है ये तो M1 M2 वो मिक्स कर देंगे तब कुछ और आ जाएगा M ये मोलारिटी सर किसी वॉल्यूम जो मिक्सिंग से पहले दोनों अलग-अलग सॉल्यूशन थे, मिक्सिंग के बाद वो एक ही सॉल्यूशन में आ गए तो उसका मोलारिटी अलग रहेगा कुछ सर, तो मोलारिटी तो रिस्पेक्ट में निकाल लेना सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन के अबे रेस्पेक्ट मतलब क्या बोलना चाह रहे हो तुम, रेस्पेक्ट मतलब कैसे बोलते हो, रिलेटिव चीज कैसे डिफाइन करते हो तुम, एक डिराइव हुआ है ना रेस्पेक्ट में आवाज से, तुम बोलो क्या बोल रहे हो पहले सर, सर सॉल्यूशन के वॉल्यूम से निकाल लेना मोलारिटी तो हम लोग जो सॉल्यूट की है। हाँ वैसे तो यहाँ पे निकाला कि आप मिक्सिंग के बाद अपने पास जो टोटल सॉल्यूशन है
फाइनल सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो भी टोटल उसी से डिवाइड किया अपन ने यहां पे टोटल वॉल्यूम से. दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम ना सर. ओके सर ठीक. अरे आया समझ में कैसे? हां सर. अच्छा बाकी लोगों क्लियर है ना? सर एक चीज नहीं आई सर. हां बोलो. तो ये जो m1 है ये कैसे आया, मतलब कहां से आया मोलैरिटी m1 सॉल्यूट? कहां से आया कि ये तो चीज तुमको गिवन है ना यार, कि ये जो सॉल्यूशन 1 अपन ने लिया है. अच्छा, मिक्स कर रहे हैं ना अपन दो सॉल्यूशन को. ठीक है. हेडिंग क्या डाले, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस ना, तो स्टार्टिंग में दो सॉल्यूशन ले रखे थे अपन ने, दोनों का अलग अलग मोलारिटी है, अलग अलग वॉल्यूम है. सॉल्यूशन अगर तीन सॉल्यूशन हो, तीन सॉल्यूशन हो तो इसमें इको टर्म आ जाएगा m3 v3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3. ठीक है सर. अरे देखो अपन ने किया क्या है कि अपने पास ये सॉल्यूशन वन है, इस सॉल्यूशन का कुछ मोलारिटी होगा जो अपने को गिवन होगा कि इस मोलर सॉल्यूशन की मोलारिटी है, इसका वॉल्यूम वी वन रहेगा. दूसरा सॉल्यूशन अपन ने लिया, इसका मोलारिटी अपने पास क्या है, एम टू है, वॉल्यूम अपने पास क्या है, वी टू है. अब अपन ने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करा दिया, दोनों लिक्विड ही तो है तो मिक्स नहीं करा सकते, क्या मिक्स हो गए. तो मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसका कुछ मोलारिटी आएगा एम फाइनल, अपने को फाइंड करना है. ठीक है. जैसे अगर मान लो कि ये वाला सॉल्यूशन अपन ले रखा था, इसमें अपन ने मान लो कि H2SO4 के दो मोल मिला रखे थे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दो लीटर है, तो एक सॉल्यूशन मैंने बनाया H2SO4 के दो मोल लिए, दो लीटर उसमें पानी डाल दिया, तो अपने पास सॉल्यूशन बन गया. तो अपने पास इस सॉल्यूशन की मोलारिटी अभी कितना हो गया, अपने पास इस सॉल्यूशन का मोलारिटी हो गया अपने पास वन. तो वो तो तुमने कैसे बनाया उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मोलारिटी कितना आएगा. तो वन मोलर का सॉल्यूशन हो गया. इस सॉल्यूशन में मान लो कि अपन ने मोल ले रखे H2SO4, दूसरा कंटेनर लिया, उस कंटेनर में अपन ने मान लो कि H2SO4 के लिए तीन मोल, वॉल्यूम अभी अपन ने लिया मान लो कि वन लीटर. तो तीन मोल लिए H2SO4 का, वन लीटर लिया मैंने पानी और मिला दिया. मिला दिया तो अपने पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलारिटी अपन क्या लिखेंगे, थ्री मोलर. यस सर. अब जब अपन मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद तो अपने पास H2SO4 के टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टू प्लस थ्री फाइव हो जाएंगे. सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने पास कितना हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा. तो अब अपने पास फाइनल मोलारिटी कितना आएगा, 1.5 बाई थ्री आएगा. यस सर. तो वही तो अपन कर रहे हैं अभी. तुमको मोलारिटी डायरेक्ट गिवन है, वॉल्यूम तुमको गिवन है, मोलारिटी तुमको गिवन है, वॉल्यूम तुमको गिवन है. तो यहाँ पे जब अपन ने फाइनल सॉल्यूशन में अभी अपन ने मोलारिटी निकाला तो कैसे निकाला कि सॉल्यूट के फाइनल मोल कितने हो गए डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया. तो जब अपन v1 v2 ले रहे हैं तो फाइनल सॉल्यूशन में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v1 plus v2 हो जाएगा. और सॉल्यूट के टोटल मोल कितने हो जाएंगे फाइनल में, कि यहाँ पे कितने मोल थे इसको अपन लिख रहे हैं n1, यहाँ पे कितने मोल थे जिसको अपन लिख रहे हैं n2, तो n1 plus n2 अपने पास मोल हो जाएंगे. और वो n1 ही तो अपन ने निकाला m1 into v1, और n2 अपन ने निकाला m2 into v2. अभी को समझ में आया क्या? आ गया सर. क्लियर है सब लोगों को? जी सर. यस सर. यस सर. यस सर. चलो जो तो ये हो गया अपने पास. तो तुमको वही करना है कि मिक्सिंग के बाद सॉल्यूट के कितने मोल हो गए टोटल वो निकालना है. तो उसको कैसे निकालोगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करके तो निकालोगे. ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते हैं तब और क्लियर होगा थोड़ा सा चीज. फिर नहीं हो तो बताना, देखेंगे कैसे करेंगे आगे समझाएंगे कुछ. हाँ, तो अपने पास मान लो कि सॉल्यूशन है 200 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 is mixed with 300 ml of 0.3 m H2SO4. Then calculate molarity of resulting
सॉल्यूशन, जो फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा उसका मोलारिटी तुमको फाइंड करना है। तो एक तरीके से अपने पास ये सॉल्यूशन वन हो गया H2SO4 का, ये एक तरीके से सॉल्यूशन टू हो गया, ठीक है। तो दोनों के या तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो जैसे अपने लिखा था फॉर्मूला, या जैसे अगर मैं जो अभी समझा रहा था तो उस हिसाब से करना है। तो अपने को देखो क्या गिवन है, मैं बता देता हूँ ये वाला, तो कि 200 ml अपने को गिवन है 0.2 m H2SO4 सॉल्यूशन। सर इसमें हमें लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है? 13/6 देखो तुम जरूरत पड़ेगा क्या, तब मोलारिटी तो लीटर में लेते हैं ना। हाँ तो ये अपने पास कितना आ गया 200 ml और 0.2 m, तो इसको अपन बोल दे रहे मान लो सॉल्यूशन 1। तो एक तरीके से हो जाएगा अपने पास V1, ये हो जाएगा अपने पास M1, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन अपने को गिवन है क्या कि 300 ml ऑफ 0.3 m H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसकी अगर अपन बात करें तो वॉल्यूम अपने पास इसको बोल देते हैं V2, इसको अपन बोल देते हैं M2, ये इसको मान ले रहे अपन क्या सॉल्यूशन 2। अब देखो एक तो तरीका तुम्हारे पास है कि तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कि फॉर्मूला अपन क्या लिखा था कि मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इक्वल टू अपन क्या लिख देते हैं M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब किसी का डाउट था कि यहाँ पे से लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है कि, अब सोचो ना लीटर में जब कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ेगा, ऊपर भी तुम वॉल्यूम ले रहे हो नीचे भी तुम वॉल्यूम ले रहे हो, तो अगर मिलीलीटर में लोगे तो दोनों तरफ वॉल्यूम का यूनिट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाना है किसी भी बिट में रखो तुम। यस सर कैंसिल हो जाएगा तब भी सर आंसर वही आएगा, वही आएगा सर, तभी तो वही आएगा क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है। अगर कैंसिल नहीं होता तो आंसर वो क्यों आता, तो ऊपर में भी वॉल्यूम है नीचे में भी वॉल्यूम है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो तुम फॉर्मूले से कर सकते हो, तो यहाँ से कर लेना वो तो आ ही जाएगा तुम्हारे पास 13.6 आ रहा है सही तरीके से अगर समझ के तुम करोगे तो ज्यादा ये रहेगा। फाइनल सॉल्यूशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ एम फाइनल, तो हाँ बोलो लीटर में चेंज क्यों नहीं करेंगे फिर से बताइए। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऊपर में भी अपने पास वॉल्यूम है नीचे में भी अपने पास वॉल्यूम है तो क्यों चेंज करेंगे, यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी ना वॉल्यूम की। और मोलारिटी टू मोलारिटी तो लीटर में रहती है ना, मोल पर लीटर। हाँ तो भाई कर तो, देना तो भी वही आएगा, दोनों से कैलकुलेट करके देते हैं 1000 बाहर आ जाएगा, सोचो ना मोलारिटी निकालना चाह रहे ज्यादा आसानी, मतलब इस तरीके से सोचोगे तो ज्यादा थोड़ा सोचने में अच्छा लगेगा कि फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी अपने को निकालना है। तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी अपन क्या लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का, ये भी तो बोल सकता हूँ ना मैं कि फाइनल सॉल्यूशन का अपने को निकालना है मोलारिटी, तो फाइनल मोल डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। यस सर। हाँ तो फाइनल मोल अगर अपन देखें तो अपने पास फाइनल मोल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने मोल थे N1, तो N1 अपने पास कितना हो जाएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम V1, तो मोलारिटी अपने पास कितना है 0.2, वॉल्यूम अपने पास कितना है 200, अभी मैं ml में ले रहा हूँ तो मोल भी अपने पास मिली मोल ही आएंगे, तो ये अपने पास आ जाएंगे यहाँ से 40 मिली मोल। यहाँ पे अपन मोल निकाले N2, तो N2 अपन क्या निकालेंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 90 मिली मोल, तो ये अपने पास 0.3 है इंटू 300, तो ये अपने पास कितने आ जाएंगे 90 मिली मोल। तो टोटल मोल्स अपने पास कितने हो जाएंगे 40 प्लस 130 90 दैट इज 130 मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपने पास कितना हो जाएगा 200 पहले सॉल्यूशन का था 500 अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा 500 ml। हाँ तो ये मिलीमोल था,
ये अपने पास मिलीलीटर था तो मिली से मिली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 13/50 m। तो जो इस सेकंड वाला कंसेप्ट बताया मैंने, अगर तुम क्वेश्चंस करो तो इसी के थ्रू जाना, क्योंकि इससे तुमको चीजें ज्यादा समझ में आएगी कि मिक्सिंग के बाद अगर अपन मोलारिटी निकाल रहे तो अपन क्या करेंगे, मिक्सिंग के बाद के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो मिक्सिंग के बाद के मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम अपन ने निकाल लिया v1 + v2 से, और मिक्सिंग के बाद के मोल अपन कैसे निकालेंगे कि सॉल्यूशन 1 में कितने मोल थे प्लस सॉल्यूशन 2 में कितने मोल थे। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में अपन तुम चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, ये जो अपने लगाया डायरेक्ट, इसमें तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अगर तुम ऐसा कुछ करते हो, सोच के ऐसा लिखते हो फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी, तो फाइनल मोल डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और चीजों को सोच के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कुछ नया तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी तुम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओगे। अभी क्लियर है, मैं दोबारा बताऊं इन सब चीजों को? क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है, एकदम क्लियर सर, बहुत बढ़िया। चलो तो एक और क्वेश्चन तुमको देते हैं। तो ये है अपने पास कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा कंसंट्रेशन, अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या होता है कंसंट्रेशन। अगर जब इस तरीके से क्वेश्चन बोला जाए कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 एंड Cl- आयंस इन 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2। तो सबसे पहले तुम बात करता हूँ यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है। तो देखो कंसंट्रेशन अपन डिफाइन करते हैं ना, तो जैसे पोलारिटी डिफाइन कर रहे थे किस सॉल्यूट के लिए, तो कंसंट्रेशन मतलब किसी भी चीज का तुमसे कंसंट्रेशन पूछा गया है सॉल्यूशन के अंदर, तो एक तरीके से मोलारिटी जैसा ही है, लेकिन मोलारिटी में अपन ने स्पेसिफाई कर दिया कि अपन सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बोल सकते हो कि अपन जनरल बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन मतलब अपन जिसकी कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं उसके मोल डिवाइडेड बाय जिस सॉल्यूशन में अपन बात कर रहे हैं उस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम, मतलब सिंपली वॉल्यूम में लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन की बात कर रहे तो मोल टोटल हो गया। तो वही चीज है, डिफरेंस अपने पास क्या है कि जिस चीज की अपन बात कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं अपने पास की अपन सॉल्यूट की ही बात करें। सर ये मोल जैसे अपने पास सॉल्यूट एक तरीके से यहाँ पे क्या है, एक मिनट में बोलूं यार, ये BaCl2 है, सॉल्यूट तो अपने पास BaCl2 है, लेकिन BaCl2 की अपन बात कर रहे हैं तो BaCl2 जो होता है एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि वाटर सोल्यूबल है, तो ये पानी में ब्रेक हो जाता है किसमें, Ba+2 और 2Cl- में। तो अभी अपने से देखो क्या पूछा गया कि कंसंट्रेशन पूछा गया किसका, Ba+2 का और Cl- का। तो एक और चीज है कंसंट्रेशन को अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो जैसे अगर तुमको बात करना है कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, Ba+2 की कंसंट्रेशन दैट इज Ba+2 को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये बात हो रहा है अगर स्क्वायर ब्रैकेट में Ba+2 लिखा है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2, तो जब Ba+2 की बात हो रही है तो अपन क्या लिखेंगे, मोल ऑफ Ba+2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी तरीके तुमसे पूछा गया कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- को अपन वही लिखेंगे Cl- आयन के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो मोल्स ऑफ Cl- डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो डिफरेंस इतना सही है कि मोलारिटी अपन बोल रहे हैं, मतलब सोचो तुम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा सर, 2 होगा। अगर मेरे पास BaCl2 का 1 मोल है तो Ba+2 का 1 आएगा, Cl का 2 आएगा, तो देखना पड़ेगा तब तो तुमको। हाँ तो देखो अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों आयंस के मोल निकालने पड़ेंगे। अच्छा कंसंट्रेशन समझ में आया ना तुमको कि मोल अपॉन वॉल्यूम ही करना है सिंपली। अगर सिंपली तुमको कंसंट्रेशन सिर्फ लिखा जाए तो मतलब तुमको मोलारिटी से ही बात करना है। अभी अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि मोस्ट ऑफ द केस में अपन मोलारिटी की ही बात करते हैं,
तो कंसंट्रेशन सिर्फ बोला जाए तो तुमको मोलारिटी ही समझना है, समझे क्या सर? मतलब जनरल वे हो गया बोलने का। हाँ बोलो सर, किसी से अगर कंसंट्रेशन पूछे तो मोलारिटी से निकाल देंगे ना सर? हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, मोलारिटी निकाल देना, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ तो अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। तो इस क्वेश्चन में अपने क्या पूछा है, अपन डिफाइन तो कर ही चुके हैं कि किस तरीके से अपने को निकालना है। तो इस सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तुम तो यहाँ पे वॉल्यूम तुमको, अच्छा वॉल्यूम भी अपने को नहीं गिवन है, लेकिन सॉल्यूशन अपने को कितना कितना गिवन है, 1.5 m। अच्छा तो एक और चीज यहाँ पे तुमको समझनी पड़ेगी, देखो क्या कि 1.5 m जो है अपने पास, तो नया टॉपिक डाल के लिख लें सर, BaCl2 का सॉल्यूशन है। तो एक और चीज अपन यहाँ पे बोलेंगे, अगर अपने पास 1.5 m है और यहाँ पे अपने को वॉल्यूम नहीं गिवन है, तो जब भी तुमको वॉल्यूम नहीं गिवन होता है तो तुमको एज्यूम करना पड़ता है, और एज्यूम करो तो फिर अपन क्या करेंगे, 1 liter ही मानेंगे, क्योंकि अपन डेफिनेशन के हिसाब से क्या जा रहे थे, 1 liter में अपन बोल रहे थे कि कितना मोल प्रेजेंट है अपने पास सोल्यूट का। तो अपने पास जो ये 1.5 m BaCl2 सोल्यूशन है, तो 1.5 मोलर का मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 liter का सोल्यूशन लेता हूं तो उस 1 liter के सोल्यूशन में अपने पास 1.5 मोल रहेगा किसका, BaCl2 का। और जब वॉल्यूम अगर अपने को नहीं गिवन है तो बाय डेफिनेशन में क्या मान लो कि, मान लो कि मेरे पास सॉल्यूशन कितना है, 1 liter ही है। वी मानो कि उससे अच्छा है क्या, 1 मान लो, क्योंकि अगर तुमको वॉल्यूम नहीं दिया गया तो उसका मतलब ये कि अगर तुम वॉल्यूम को वी मान के सोल्व करोगे तो वी कैंसिल हो जाना है, क्योंकि जरूरत होती तो क्वेश्चन में गिवन होता। तो जब भी, पहले भी मैं बोलता हूँ कि जब भी तुमको मानना पड़े कुछ तो ऐसा मानो कि जहां से तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो कभी भी अगर तुमको मोलारिटी गिवन है तो तुमको अगर मानना पड़ रहा है कि वॉल्यूम कितना ले तो 1 मान लिया करो। तो मोलारिटी की डेफिनेशन के हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास 1 liter सॉल्यूशन है तो उसमें 1.5 मोल है किसका, BaCl2 का। तो मैं इसी के हिसाब से ट्रीट करूंगा आगे कि BaCl2 है तो ये अपने जैसे बोला कि ये ब्रेक हो जाता है किसमें, Ba+2 में और Cl- में। तो अगर इसका मेरे पास 1.5 मोल है तो ये जब ये ब्रेक होगा, ये तो खत्म हो गया ब्रेक होने के बाद, तो Ba+2 का कितना आएगा, 1.5 मोल आएगा, Cl- का कितना आएगा, इसके 3 मोल आएंगे। अब अपने को निकालना क्या था, मोलारिटी। तो Ba+2 की मोलारिटी अपने पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ Ba+2 दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि अपन ले रहे क्या, 1। तो Ba+2 का मोलारिटी कितना गया, 1.5 m। Cl- की अगर अपन बात करें तो मोल्स ऑफ Cl- दैट इज 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 3 m। समझ में आ गए, किसी को दिक्कत? सर ये कंसंट्रेशन मोलारिटी एक ही चीज है? हाँ यही तो बात कर रहे थे यार इतनी देर से। ठीक है चलो, वैसे अपने पास अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है बहुत सारी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ इसके जैसा, ये थोड़ा सा अलग होगा, वो तुमको अटेम्प्ट करके देखो आता है कि नहीं, कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन, एल्यूमिनियम 3+ आयन एंड Mg+2 आयन इन सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 0.5 m। सर आपने बताया था ये ब्रैकेट लगा के कॉम्प्लेक्स आयन आते हैं, अरे तो इसको भी नहीं कर सकते क्या, तो समझ में आना चाहिए कहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन है, कहाँ पे ये है कंसंट्रेशन। कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा तो वहां पे पहली बात तो एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, तभी उसको अपन कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन की भी कंसंट्रेशन निकालने को आ सकती है ना? हाँ आ सकती है, पढ़ोगे तब आएगा, तो फिर वहां पे तुमको डिफरेंशिएट किया जाएगा, ऐसा कंफ्यूज करेगा नहीं तुमको, बता देगा या तुमको समझ में आ जाएगा वो जब कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ चुके होंगे।
हाँ, तो ये अपने पास क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये है अपने पास कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl- एल्यूमिनियम 3 प्लस Mg प्लस 2 इन अ सॉल्यूशन. तो एक सॉल्यूशन है जो अपन ने बनाया किससे, मिक्सिंग ऑफ दिस AlCl3 एंड दिस MgCl2 सॉल्यूशन. मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और पता करो किस तरीके से अपने पास आएगा. नहीं समझ में, देखो अपन जब मिक्सिंग करेंगे दोनों सॉल्यूशन का, तो आफ्टर मिक्सिंग, जब भी मिक्सिंग का सवाल आएगा तो तुमको आफ्टर मिक्सिंग की बात सोचनी है. तो मिक्सिंग के बाद अगर अपन सबसे पहली चीज लिखो तो टोटल वॉल्यूम लिखा करो, तो 500 ml + 500 ml, 1 लीटर. ये तो अपने पास हो गया 1000 ml, मतलब 1 लीटर. अब अपने को बात करना है किसका, AlCl. एक सॉल्यूशन अपने पास किसका है, AlCl3 का है, और एक सॉल्यूशन अपने पास किसका, MgCl2 का है. तो मिक्सिंग के बाद भी AlCl3 के मोल तो उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ इसी सॉल्यूशन में है. इसी तरीके से MgCl2 के मोल मिक्सिंग के बाद भी उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये भी सिर्फ इसी सॉल्यूशन में है. सर मोलैरिटी 6 आ रही है क्या? नहीं. तो मिक्सिंग के पहले की अगर अपन बात करें कि जो अपने पास AlCl3 का मोल, AlCl3 का सॉल्यूशन था, तो उसमें अगर अपन AlCl3 के मोल निकाले तो मोल अपने पास क्या आएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. तो मोलारिटी अपने पास था इसका कितना, 0.5. तो 0.5 इनटू इसका वॉल्यूम था अपने पास 500 ml. तो मिक्सिंग से पहले अपने पास इसके कितने मोल थे, 250 मिलीमोल. क्या जी सर, 49 का. अगर बिफोर मिक्सिंग अगर मैं मोल निकाल रहा हूँ AlCl3 का, तो AlCl3 के अपने पास कितने, 250 मोल है. तो मिक्सिंग के बाद भी उतने ही मोल रहेंगे, क्योंकि AlCl3 तो दूसरे सॉल्यूशन से नहीं आ रहा है, दूसरे सॉल्यूशन तो MgCl2 आ रहा है. और MgCl2 की भी इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो MgCl2 के तो मोल भी उतने ही रहेंगे मिक्सिंग से पहले जितने थे, क्योंकि वो भी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन से आ रहा है. तो MgCl2 वाले सॉल्यूशन की बात करें तो मोलारिटी अपने पास कितना, 1.5, वॉल्यूम अपने पास कितना है, 500. तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 750 मिलीमोल. तो इतने मिलीमोल अपने पास MgCl2 के हैं. तो मिक्सिंग के बाद भी MgCl2 के मिलीमोल तो इतने ही रहेंगे. ये समझ में आएगा तुमको कि जितने मोल पहले थे उतने ही मोल तो बाद में रहेंगे. सर Cl का 4.5 आ रहा है. नहीं. अब अपने को पता है कि अपने से आयंस के लिए बात किया है, तो AlCl3 की जब अपन बात कर रहे हैं तो AL3 वापस ब्रेक होगा किसमें, एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस में. MgCl2 की अगर अपन बात कर रहे हैं तो MgCl2 अपने पास ब्रेक होगा किसमें, Mg प्लस 2 प्लस 2Cl और 2Cl माइनस. तो अपने को एल्यूमिनियम फाइनल सॉल्यूशन अपने से क्या पूछा जा रहा है, मोलारिटी पूछी जा रही है इसकी एल्यूमिनियम 3 प्लस की और Mg प्लस 2 की और इसी तरीके से Cl माइनस की. तो पहले तो अपन मोल निकाल लेंगे. तो अपने पास पता है कि अपने पास इसके कितने मोल है, 250 मिलीमोल है और इसके अपने पास 750 मिलीमोल है. चाहे पहले बात करें चाहे बाद में बात करें, क्योंकि इसका सोर्स तो सिर्फ अपने पास एक ही है. तो जब अपने पास ये ब्रेक हो जाएगा तो ये तो एक तरीके से खत्म हो गया. तो इसके 250 से एल्यूमिनियम 3 प्लस के कितने आएंगे, 250 मिलीमोल ही आएंगे. और Cl के कितने आएंगे, 750 3 टाइम्स आ जाएंगे. इसी तरह नीचे वाली रिएक्शन में अगर अपन बात करें तो MgCl2 के 750 से Mg प्लस 2 के तो कितने आएंगे, 750 मिलीमोल ही आएंगे. लेकिन Cl माइनस के कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, दैट इज 1500 मिलीमोल. तो फाइनल सॉल्यूशन में अगर देखोगे तो फाइनल मतलब अपने दोनों को मिक्स कर दिया है. तो फाइनल सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम 3 प्लस के मोल इतने रहेंगे, Mg प्लस 2 के मोल अपने पास इतने रहेंगे और Cl माइनस के अपने पास दोनों जगह से आ रहा, तो दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. वही क्या फाइनल सॉल्यूशन में मोलारिटी पूछा है तो वॉल्यूम भी अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइनल सॉल्यूशन करना पड़ेगा. फाइनल वाली निकाल ली थी सर, क्योंकि सर पिछले वाले क्वेश्चन में दी गई थी ना, तो वैसे ही सर पहले मोलारिटी निकाल ली थी.
अरे वहां पे कंडीशन क्या थी कि सोल्यूट अपने पास सिर्फ एक ही था, अलग अलग सोल्यूट के लिए मोलारिटी अलग अलग आएगी, जो अपने फॉर्मूला लिखा था M1V1+2.5 आ रही है। हाँ सही है, जो अपने फॉर्मूला लिखा था M1V1+M2V2/V1+V2, वहां पे अपने पास सोल्यूट क्या थे, दोनों सोल्यूशन में एक था, इसलिए अपन वो फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। अभी वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मिक्सिंग के बाद तुमको क्या करना है, जैसे अगर अपन बात करें इसी चीज को, देखो सही से समझो, ये इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस क्या है पिछले वाले और इस वाले क्वेश्चन को अगर अपन कंपेयर करें, तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपने पास सेम चीज था कि सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन टू, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट सेम था कि यहाँ पे भी H2SO4 था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी अपने पास H2SO4, तो मिक्सिंग जब अपन ने कर दी तो मिक्सिंग के बाद ही अपने पास क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा। तो अगर इसमें मोलारिटी गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, तो वहां से मोल अपने निकाले N1, इसमें मोल निकाले अपने N2, तो यहाँ पे अपने टोटल लिख दिया कि N टोटल इक्वल टू N1+N2, और V टोटल से अपने डिवाइड कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन का अपने मोलारिटी निकाल दिया। अभी इस क्वेश्चन में जो अपन बात कर रहे हैं सर, टोटल इसमें अपन ऐसे बोल रहे कि अपने पास सॉल्यूशन, एक मिनट, एक में सोल्यूट है अपने पास MgCl2, तो अगर मिक्सिंग में और यहाँ पे अपने पास मोलारिटी गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, तो वहां से अपन इसके मोल निकाल लिए, मान लो कि मोल्स ऑफ AlCl3 कुछ आ रहा है, इसी तरीके से अपने MgCl2 के मोल्स निकाल लिए कि मोल्स ऑफ MgCl2 कुछ आ रहा है। तो जब अपन इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट अलग अलग है, तो इस सॉल्यूशन अपने पास अभी दो सॉल्यूट हो जाएंगे, एक तो AlCl3 और एक अपने पास MgCl2, और जो AlCl3 का मोल रहेगा वो अभी भी N1 ही रहेगा या NAlCl3 ही रहेगा, और अभी जो MgCl2 है इस सॉल्यूशन में फाइनल में, वहां पे भी मोल वही रहेंगे MgCl2 ही जो पहले थे, तो यहाँ पे मोल नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट अलग अलग है, बस यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सिर्फ वी टोटल तुम्हारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका V1 है, इसका V2 है, तो V टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास V1+V2, तो यहाँ पे दोनों का मोलारिटी अलग अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, तो मोलारिटी अपन एक सोल्यूट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, अगर दो सोल्यूट है तो दोनों सोल्यूट के लिए फिर अलग अलग निकलेगा वो, तो तुम यहाँ पे इस वाले केस में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते जब दोनों सोल्यूट अपने पास क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। ये केस था कि सोल्यूट अपने पास सेम है, तो वहां पे अपन मोल को डायरेक्ट ऐड कर दे रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, ये डिफरेंस समझ में आएगा तुमको। सर इसमें मोलारिटी ऑफ पर आयन की निकाल के ऐड करके वही आंसर आएगा? नहीं, तुम तो पहले ये बताओ कि समझ में आएगा। यस यस सर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन हाँ, तो कर, वही वाला। ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे यहाँ पे नहीं लगेगा इस वाले केस में। अगर इस वाले केस में तुमको AlCl3 का मोलारिटी निकालना है, तो जो मोल थे वो इनिशियल मोल और फाइनल मोल दोनों जगह सेम है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, V टोटल हो गया, दैट इज V1+V2, यहाँ पे वॉल्यूम V2 था, लेकिन अब जब इस फाइनल सॉल्यूशन में अगर तुम निकालोगे किसका, MgCl2 का, तो वॉल्यूम वापस तुम क्या यूज करोगे, V1+V2। सर ये डिफरेंस था अपने पास दोनों क्वेश्चंस में। हाँ बोलो सर, सॉल्यूट डिफरेंट होगा तो फॉर्मूला क्यों नहीं चलेगा, फिर से बता दीजिए। क्या जी सर, फॉर्मूला जब सॉल्यूट डिफरेंट होता है क्यों नहीं कर सकते हैं, फिर से बता दीजिए। अरे यार तुमको एक बार में तो कोई चीज समझ में आई नहीं, देखो क्यों नहीं लगा सकते, वही तो मैंने समझाया इतनी देर से, क्या समझाया था कि अपने पास जब सॉल्यूट सेम था, तो यहाँ पे भी H2SO4 है सॉल्यूशन 1 में, सॉल्यूशन 2 में भी अपने पास H2SO4 है, तो मिक्सिंग के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है उसमें भी H2SO4 ही है ना, तो H2SO4 के भी अपने पास दो सोर्स हो गए, यहाँ से N1 मोल आए, यहाँ से N2 मोल आए, तो टोटल मोल अपने पास क्या हो गया, N1+N2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने इस केस में निकाला था, जो फॉर्मूला अपने निकाला था, लेकिन अभी जब अपन बात करें कि दोनों में सॉल्यूट अलग अलग है, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ AlCl3 है सॉल्यूशन 1 में, यहाँ पे मोल्स ऑफ MgCl2 है, और जब अपन ने मिक्स कर दिया है तो मोल्स ऑफ AlCl3 उतने ही रहेंगे, मोल्स ऑफ MgCl2 भी उतने ही रहेंगे, तो यहाँ पे तो ऐड नहीं करेंगे ना अपन यार दोनों के मोल को, क्योंकि कंसंट्रेशन पूछी जाएगी तो दोनों सॉल्यूट के लिए अलग अलग पूछी जाएगी। यस समझ गए, तो जब सबको समझ में आएगा ये
हाँ बोलो सर, सीएल माइनस का हम लोग को जब अलग से निकालना होगा सर कंसंट्रेशन, जब सर एल सी निकला है वो उसको और MgCl2 को ऐड करके बताएंगे कंसंट्रेशन का। हाँ उसका मैं बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैं पता है मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ पहले मोल्स के हिसाब से करा रहा हूँ, क्योंकि मोल तुम्हारा मिक्सिंग के बाद चेंज नहीं होगा किसी का भी, कि जैसे अपने पास यहाँ पे क्या था मतलब मोलारिटी तो तुम्हारा क्या होगा वॉल्यूम चेंज होने के साथ चेंज हो जा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे दोनों सोर्स में अपने पास क्या था H2SO4N1 था, यहाँ पे H2SO4N2 था, तो मिक्सिंग के बाद टोटल हो गया N1+N2, तो मोल में अगर तुम चीजों को देखोगे तुमको डायरेक्ट समझ में आएगी। अब जैसे अपन सीएल माइनस की बात करें तो AlCl3 अपने पास हो गया, MgCl2 अपने पास हो गया, लेकिन जब मैं Cl- की बात करूंगा तो Cl- तो मेरे को दोनों जगह से मिल रहा है, AlCl3 से भी मिल रहा है तो MgCl2 से भी मिल रहा है, तो मैं वही तो कर रहा था अभी कि AlCl3 के मोल से मैंने Cl- के भी निकाले, MgCl2 से भी मैंने Cl- के मोल निकाले, तो टोटल मोल अपने पास क्या करेंगे अब, कि यही तो ऐड कर रहे अपन, इसीलिए तो ऐड कर रहे कि Cl- अपने पास दो सोर्स है, एक AlCl3 से भी मिला, एक अपने को MgCl2 से भी मिला, तो टोटल अपन इसके लिए ऐड कर दिया अगर आयंस के हिसाब से मैं बात करूं तो। लेकिन जब मैं एल्यूमिनियम 3+ की और Mg+2 की मैं बात कर रहा हूं तो अपने पास दोनों का एक एक सोर्स है, ये तो सोच के तुमको चीजों को करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया था तो मैंने ये बोला था कि फॉर्मूले से अगर नहीं जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम्हारे पास तुम चीजों को समझ के जाओ। तो फाइनल सोल्यूशन में तुमको मोलारिटी निकालना है या कंसेंट्रेशन निकालना है, उसका मतलब ये देखना है तुमको कि जो फाइनली अपने को सॉल्यूशन बन जा रहा है उसमें जिस चीज की अपन बात कर रहे हैं उसके कितने मोल है टोटल और कितना टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो कंसंट्रेशन, हाँ बोलो पहले तुम बोलो। तो सीएल माइनस का फिर कंसंट्रेशन सर फिर 750+1500 तो फिर सर 2250 हो जाएगा ना मिलीमोल, मतलब सर इन दोनों को ऐड करके फिर सर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस। हां वही करेंगे अपन। तो मैं ये बोल रहा था कि कंसंट्रेशन टर्म्स जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें दिक्कत होती है, तुम्हारे साथ ही नहीं आ रही, सबके साथ ही दिक्कत आती है, अभी अपन कन्वर्जन पढ़ेंगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं इसको धीरे धीरे कवर करना चाह रहा हूँ कि हर चीज तुमको समझ में आए। तो तुमको ये विजुअलाइज करना है कि मिक्सिंग के बाद चीजें क्या हो रही है, यहाँ अब तुमको चीजें सोचनी पड़ेगी कि मिक्सिंग कराने के बाद क्या हो जा रहा है। जैसे मैंने अभी ये वाला एग्जाम्पल लेके समझाया था कि जैसे यहाँ पे अपने पास क्या हुआ, इस तरीके से कुछ डिफरेंस है दोनों में, तो जब भी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया और उसको तुम करो तो तुमको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि मिक्सिंग के बाद चीजें किस तरीके से हो जा रही है, बिना सोचे करोगे तो काफी दिक्कतें हो सकती है। कभी कभी मान लो ऐसा भी क्वेश्चन करा सकता है, मतलब जेई के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो देखो अपने पास मान लो कि तीन सोल्यूशन की मिक्सिंग करा दे, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, इसमें तुम्हारे पास H2SO4 है, इसमें तुम्हारे पास H2SO4 है और इसमें तुम्हारे पास मान लो कुछ और है HCl, और इन तीनों को मिक्स करा दिया एक जगह, तो अब तुम क्या बोलोगे कि जो फाइनल मिलेगा उसमें H2SO4 अपने पास रहेगा और HCl भी रहेगा, लेकिन अब H2SO4 के तुम्हारे पास दो सोर्स हो जाएंगे, ये N1, इसमें मोल मान लो N2 थे और इसमें मोल मान लो कि N3 थे, तो मिक्सिंग के बाद HCl का तो अपने पास एक ही सोर्स था तो इसके मोल तभी भी क्या रहेंगे N3 ही रहेंगे, लेकिन H2SO4 के दो सोर्स थे तो अभी फाइनली जब देखोगे मिक्सिंग के बाद उसके मोल क्या हो जाएंगे N1+N2, तो इस तरीके तुमको चीजों को सोचना पड़ेगा कि मिक्सिंग के बाद क्या हो जा रहा है। तो क्वेश्चन को तुम विजुअलाइज करने की कोशिश किया करो कि जैसे तुमको दिया इस तरीके से, भले नहीं समझ आया तो कंटेनर बना के देख लिया करो, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ जैसा क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से, फिर तुमको एरो बना के देखो कि फाइनल कंटेनर में चला गया तो वहां पे क्या क्या बच रहा है, किस तरीके से तुम चीजों को सोचोगे, तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लास में जो तुमको समझाया जा रहा हो तुमको क्लियर होना चाहिए हर चीज, ये तुम्हारा ये होना चाहिए मोटिव, फिर जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतनी ज्यादा क्लैरिटी आती जाती हो, बाकी तुम जो भी डाउट्स है वो पूछते रहना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ ये समझ में आया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा था इधर? अरे सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। चलो सर इसी क्वेश्चन में अगर मोलारिटी और फाइनल सॉल्यूशन पूछा जाए तब फॉर्मूला लग जाएगा ना? पूछ ही नहीं सकता ना यार फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे दो सॉल्यूट हैं तो उसको बताना पड़ेगा ना कौन से सॉल्यूट के लिए तुम बात करते, ऐसे कैसे पूछ लेगा? दो सॉल्यूट है ना यहाँ पे अपने पास AlCl3 और MgCl2, सॉल्यूट के लिए अपन डिफाइन कर रहे हैं ना, मैंने क्या लिखा था कंसंट्रेशन टर्म, मतलब कि सॉल्यूट का अमाउंट बताने के लिए अपन कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन कर रहे हैं,
तो दो सोल्यूट है दोनों के लिए अलग अलग मोलारिटी रहेगा, अलग हर चीज अलग अलग रहेगी, तो वो मेंशन करके बोलना पड़ेगा उसको कि AlCl3 के कितना मोलारिटी है और अपने पास MgCl2 का कितना मोलारिटी है, उसी की तो अपन बात कर रहे हैं। अभी समझ में आएगा? यस सर। तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज रहेगा नहीं जब दो सॉलिड हो जाएगी, तो मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन ये टर्म तभी यूज कर सकता है जब तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूट रहेगा। तो एक ही सॉल्यूट अगर, तो सॉल्यूशन की मोलारिटी की बात करें मतलब उसी सॉल्यूशन के उसी एक सॉल्यूट के लिए बात हो रही है। तो जब दो सॉल्यूट आ जाएगी तो फिर उसको बताना पड़ेगा किसके लिए अपन बात कर रहे हैं। तो जिसके लिए अगर बात कर रहे हो तो उसके सॉल्यूशन में टोटल कितने मोल है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिक्सिंग में तुमको यही ध्यान रखना है कि आफ्टर मिक्सिंग टोटल मोल कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, जिस भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अपन बात कर रहे हैं उसके लिए। तो जैसे अपने को पूछा गया था अभी Al3+ का कंसंट्रेशन, तो अपन क्या ले गए कि Al+3 का कंसंट्रेशन मतलब मोल्स ऑफ Al3+ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, क्योंकि मिक्सिंग के बाद का अपने को कंसंट्रेशन पूछा गया किसका, Al3+ का। तो अपने देखा कि Al3+ अपने पास कहां से आ रहा है, AlCl3 से आ रहा है। तो AlCl3 के अपन ने देखे क्या मोल अपने पास इतने थे 250, उसके 250 से Al3+ के भी कितने आ रहे हैं 250 ही आ रहा है। हाँ, 250 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे अपन मोल को मिली मोल में ले रहे हैं, तो वॉल्यूम को तुमको मिलीलीटर में लेना पड़ेगा, दैट इज 1000 मिलीलीटर, ताकि कैंसिल हो जाए। तो अपने पास क्या आ जाएगा ये 0.25 m। सर एक मिनट ऊपर करिएगा थोड़ा सा। ऊपर तो ये कुछ और है। ठीक है नीचे कर दी। हाँ, नेक्स्ट हमने पूछा Mg+2 का कंसंट्रेशन, तो Mg+2 का कंसंट्रेशन अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ Mg+2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो फाइनल सॉल्यूशन में Mg+2 के कितने मोल है डिवाइडेड बाय फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, 750 मोल को मिली मोल में ले रहे हैं, तो वॉल्यूम अपने को मिलीलीटर में लेना पड़ेगा, ताकि दोनों क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो अपने पास कितना 0.75 मोलर कैपिटल एम। अगला अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, तो Cl- का कंसंट्रेशन अपने पास क्या लिखेंगे कि फाइनल सॉल्यूशन में Cl- के मोल कितने हैं डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम अपने पास कितने हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन में अपने पास Cl- दो जगह से आ रहा है, AlCl3 से आ रहा है और MgCl2 से आ रहा है। तो AlCl3 से कितना आ रहा था 750 और MgCl2 से कितना आ रहा था 1500 हमारा जो भी था डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम अपने पास कितना हो गया था 1000। तो ये अपने पास मिली मोल था, ये अपने पास मिलीलीटर था, 2.25 m। तो ये ही अपने से पूछा था, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। हाँ, तो मिक्सिंग में ये चीज तुमको ध्यान रखना ही है कि एक ही सॉल्यूट के लिए बात हो रहा है, एक से ज्यादा सॉल्यूट के लिए बात हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फाइनल निकालना होगा तो सबको प्लस कर दे। अरे नहीं भाई, कितनी बार पूछ रहा, फाइनल नहीं पूछेगा वो, अगर दो सॉल्यूट है तो दोनों के लिए अलग अलग बात होगी। समझ में आएगा ये? अच्छा, तुम मेरे को जो बोल रहे हो कि फाइनल पूछेगा अपने से, तो फाइनल का मतलब क्या हुआ, उसका कुछ सिग्निफिकेंस थोड़ी है, ऐड कर दोगे तो क्या पता चल रहा है तुमको। किसी भी चीज को डिफाइन किया जा रहा है तो किसी सिग्निफिकेंस के लिए डिफाइन किया जा रहा है ना, जैसे अपन बोल रहे कि अपन सॉल्यूट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। क्या चीज सॉल्यूशन में कितने मोल है, अब ऐसे अगर दिमाग लगाओगे तो अब तो कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें तुम बना सकते हो, तो हर चीज के लिए अलग अलग चीज थोड़ी बनाएंगे, मतलब ऐसा कुछ अपन डिफाइन नहीं करते हैं। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना कि अपने को किस तरीके से मिक्सिंग हो रही है, सेम सॉल्यूट है या अलग अलग सॉल्यूट है। तो मैं इसको, तुम चाहो तो समरी करके अपन पूरा चीज लिख सकते हैं जो भी अपन ने पढ़ा है, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो।
देखो अपने क्लास क्या क्या था कि सबसे पहला अपन मिक्सिंग में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो ये चीज उनको क्लियर होना चाहिए। तो मैं अभी समरी करके लास्ट लिख दे रहा हूँ कि केस वन, देखो मिक्सिंग के बाद उनको किसी भी चीज का कंसंट्रेशन निकालना है, तो उस चीज का कंसंट्रेशन निकालने में तुमको क्या करना है कि फाइनल सॉल्यूशन में है उस पर्टिकुलर चीज के टोटल कितने मोल है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल कितना वॉल्यूम है, ये चीज तुमको करना है। तो मिक्सिंग का सवाल है अपने पास, तो अगर अपन फाइनल सॉल्यूशन में बात करें कि फाइनल सॉल्यूशन में अगर तुमको कोई भी चीज पूछी गई है तो उस फाइनल सॉल्यूशन में जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात हो रही है, आयन की बात हो रही है या सॉल्यूट की बात हो रही है, तो उसके टोटल कितने मोल है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो पहला केस जो मैं ले रहा हूँ, इसमें अपने पहला क्वेश्चन जो देखा था या पहला टाइप जो देखा था, तो अपने देखा था कि सॉल्यूट अपने पास क्या है, दोनों सॉल्यूशन में सेम है, सेम सॉल्यूट के लिए अपन बात कर रहे हैं पहले। तो अपने पास दो सॉल्यूशन थे या तीन ले लो तुम जितने भी चाहो, तो ये अपने पास क्या है कि कोई सॉल्यूट है ए ले लेता हूं मैं जनरल, तो ये तीन सॉल्यूशन है उसी सॉल्यूट ए के, तीन ले लेता हूं मैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब अपन इन तीनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दे रहे हैं, मिक्सिंग का मतलब ये हुआ कि तीनों को अपने को मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद भी क्या होगा, सॉल्यूट तो आपस में ही रहेगा ए ही, बस तीनों सॉल्यूशन में उसका अमाउंट अलग अलग था। तो यहाँ पे मान लो किसके मोल क्या था, एन1, इसको अपन सॉल्यूशन वन बोल रहे हैं, इसको अपन सॉल्यूशन टू बोल रहे हैं, इसको अपन सॉल्यूशन थ्री बोल रहे हैं। तो एन वन अपन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन वन का मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्यूशन, इसमें मान लो कि मोल थे क्या एन टू, तो इसका अपन कैसे निकालेंगे, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन टू इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू। इसके अगर अपन बात करें कि यहाँ पर सॉल्यूशन मोल है मान लो कि एन थ्री, तो अपन कैसे क्या मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन थ्री इनटू एम थ्री, क्योंकि अपने को मोलारिटी और वॉल्यूम ही गिवन होगा मेनली। ये चीज तो मैं जब मोलारिटी अपने डिफाइन किया था तभी बोला था कि मेनली तुमसे पूछेगा क्या सॉल्यूट के मोल पूछेगा। अब जब अपन मिक्स कर दिए तीनों को, तीनों में सॉल्यूट सेम है, तो फाइनली जो ए के मोल हो जाएंगे टोटल मोल, वो अपने पास क्या हो जाएंगे, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, क्योंकि तीनों जगह से अपने पास ए आ रहा है। और टोटल वॉल्यूम अपने पास क्या हो जाएगा, वी टोटल अपने पास हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब अगर एक ही सॉल्यूट है तो इस सॉल्यूट की तुमसे मोलारिटी पूछी जाएगी, तो इस सॉल्यूट की मोलारिटी में बोलूं या फिर मैं सॉल्यूशन की मोलारिटी बोलूं, एक ही बात है क्योंकि अभी तो एक ही सॉल्यूट है, या कंसंट्रेशन ऑफ ए बोल दूं मैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए या मोलारिटी ऑफ ए, तो अपन क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स ऑफ ए इन फाइनल सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ ए इन फाइनल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो ए के टोटल मोल अपने पास क्या आ रहा है, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम वी टोटल। और एन वन अपन कैसे निकाला था, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री डिवाइडेड बाई वी टोटल अपने पास क्या होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो देख सकते हो ये फॉर्मूला अपने पास तभी लगेगा जब मेरे पास सॉल्यूट क्या रहेगा, एक ही रहेगा जितने भी सॉल्यूशन को अपन मिक्स कर रहे हैं उन सब में। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या तुमको, वैसे तो आसान था, अपन केस वन लिया है तो इसको तुम समरी करके लिख लेना। अब ऐसे अगर अपन केस टू की बात करें तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ कि दोनों सॉल्यूट अलग अलग ले लेता हूँ, दो सॉल्यूशन की ही मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, फिर अपन एक को ले लेंगे जिसमें तीन सॉल्यूशन लेंगे, दो में सॉल्यूट एक जैसा एक में अलग। तो अब अपने पास मान लो कि अपने को वापस वही करना है कि जब आफ्टर मिक्सिंग अपने से कोई चीज पूछी जा रही है कि आफ्टर मिक्सिंग, तो आफ्टर मिक्सिंग अपने पास किसी का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है या मोलारिटी पूछा जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज का फाइनल सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम अपने पास कितनी है। मिक्सिंग का क्वेश्चन है तो मिक्सिंग के बाद ही चीजें तुमसे पूछी जाएगी, मिक्सिंग से पहले की तुमको गिवन होगी, ठीक है। तो ये देखो अपने पास, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने पास मान लो कि सॉल्यूशन वन है, इसमें सॉल्यूट ए है, इसको अपन बोल रहे हैं सॉल्यूशन वन। दूसरा अपने पास सॉल्यूशन टू है, इसमें अपने पास सॉल्यूट बी है, मतलब दोनों में सॉल्यूट क्या है अलग अलग है। अब इसमें जो अपने पास मोल रहेंगे ए के, उसको अपन एन वन लिख देते हैं, तो एन वन अपन क्या लिखेंगे, एम वन इंटू वी वन, जो भी इसका मोलारिटी हो जो भी इसका वॉल्यूम है।
इसमें अपन मोल को अगर n2 लिख दे तो n2 अपन क्या लिखेंगे, m2 into v2। चलो अब अपने को इनकी मिक्सिंग की बात करनी कि दो सॉल्यूशन है, दोनों में सॉल्यूट अलग अलग है, तो जब मिक्स अपन कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास जो फाइनली आएगा वो a प्लस बी आ गया। सॉल्यूशन में a सॉल्यूट भी है, b सॉल्यूट भी है, लेकिन अभी जो a आ रहा है तो सिर्फ सॉल्यूशन वन से आ रहा है, तो इसके मोल तो अभी भी n1 ही रहेंगे। वो जो सॉल्यूशन b आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है अपने पास, सॉरी जो b सॉल्यूट आ रहा है वो अपने पास सॉल्यूशन 2 से आ रहा है, तो इसके भी मोल फाइनल सॉल्यूशन में n2 ही रहेंगे। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि अपने को फाइनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन निकालना है a का, तो a का कंसंट्रेशन अपन क्या लिखेंगे, n1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यस इट इज v1 + v2, v1 + v2, तो टोटल वॉल्यूम अपने पास क्या हो जाएगा, v1 + v2। तो n1 अपन क्या लिख रहे हैं, m1 * v1, क्योंकि वो सिर्फ सॉल्यूशन 1 से ही आ रहा है, डिवाइड बाय v टोटल, तो v1 + v2, देखो फार्मूला चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर अपन b की बात करेंगे तो b के टोटल मोल जिसको अपन अभी क्या लिख रहे हैं, n2, क्योंकि b तो सिर्फ सेकंड सॉल्यूशन से आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम v टोटल, तो n2 अपने पास अभी क्या हो जाएगा, सेकंड सॉल्यूशन से आ रहा है मतलब m2 v2 डिवाइडेड बाय v टोटल, दैट इज v1 + v2। तो हर जगह वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, तो समझ में आना चाहिए तुमको। तो इस तरीके से अपन इसमें निकालेंगे जब अपने पास दोनों सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब ऐसा केस तुम्हारे पास बहुत कम चांस है, आएगा तो एडवांस वगैरह में आएगा, जेईई एडवांस में, कि अपने पास क्या करे, तीन सॉल्यूशन ले ले अपन, जैसे मैंने लास्ट में बताया था। इसमें आएगा क्या, अरे समझ लो यार, समझ लोगे तो क्या हो जाएगा, नीट में भी आ तो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि मना है, लेकिन नहीं आता है जनरली, ऐसा है कभी, मान लो कि एग्जामिनर को दवा के लिए क्वेश्चन टॉप देना चाहिए, दे भी सकता है, ऐसा कोई बात थोड़ी हो, उसमें आ जाएगा, तू मना थोड़ी कर सकते हो उसको कि इतना मुश्किल सवाल क्यों दे दिया तुम लोगों ने हमको। हाँ तो मान लो कि तीन सॉल्यूशन थे अपने पास, तो दो में अपने पास क्या था, ए था, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, लेकिन एक में अपने पास बी है। अब अपन इसमें मोल बोल दे कि पहले सॉल्यूशन इसको बोल रहे थे, इसमें मोल एन वन बोल देते अपन सॉल्यूट के, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, सॉल्यूट वन का मोलारिटी इनटू वॉल्यूम वी वन। इसमें अपने को दिया है सॉल्यूशन टू, तो इसमें अपने पास ए के जो मोल रहेंगे वो क्या रहेंगे, एम टू रहेंगे और वी टू रहेंगे, वो भी इसका वॉल्यूम होगा। इसमें अगर अपन मोल को एम थ्री बोल दे बी के लिए, तो मोलारिटी अपने पास इसका मान लो कि एम थ्री है, वॉल्यूम अपने को गिवन है वी थ्री। अब अपन जब तीनों को मिक्स कर देंगे ये, तो मिक्स करने के बाद जो अपने को फाइनल मिक्सर मिलेगा उसमें ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। अब देखो जो ए आ रहा हो तो दो जगह से आ रहा है, तो ए के टोटल मोल अपने पास कितने हो जाएंगे, एन वन प्लस एन टू। बी के टोटल मोल अपने पास बी कहाँ से आ रहा है, सिर्फ थ्री से आ रहा है, तो अपने पास क्या हो जाएंगे, एन थ्री। लेकिन जब मैं फाइनल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो टोटल वॉल्यूम तो अपने पास कितना है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो जब तुमसे ए का कंसंट्रेशन पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, ए के टोटल मोल कितने हैं फाइनल सॉल्यूशन में, n1 + n2 अपॉन v टोटल, v टोटल n1 + n2 डिवाइडेड बाय v टोटल, दैट इज v1 + v2 + v3। और n1 n2 को अपन क्या लिख सकते हैं, m1 v1 + n2 v2, जो कि अपने को गिवन होगा डिवाइडेड बाय v1 + v2 + v3। इसी तरीके जब b के लिए बात करोगे तो b के लिए अपन क्या लिखेंगे, b के टोटल मोल कितने हैं फाइनल सॉल्यूशन, b सिर्फ थर्ड वाले सॉल्यूशन से आ रहा है, दैट इज m3 yes, sir, sir, v3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल v1 प्लस v2 प्लस v3। अब तुमको समझ में आएगा कि तुमको ये देखना जरूरी है कि फाइनली अपने को क्या मिल रहा है। अरे समझ में आया, यस सर आ गया, यस सर क्लियर। हां चीजों को कैलकुलेट करो तो मोल्स के हिसाब से कैलकुलेट किया करो, पहले जिसकी भी बात हो रही है उसके मोल निकाल दो। जैसे मैं निकाल ले रहा था स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन में भी अपने वही चीज दी है, जैसे यहाँ पे भी अपने क्या क्या एन वन निकाला एम वन इंटू वी वन करके, एन टू निकाला एम टू इंटू वी टू करके, यहाँ पर निकाला अपन एम थ्री इंटू वी थ्री करके। जब मोल निकाल लेंगे तो अपने को डायरेक्ट एन वन प्लस एन टू करना रहेगा। तो ये फॉर्मूले जो बना रहे हैं, तो फॉर्मूले में जाने से अच्छा है कि तुम मेन जो फॉर्मूला अपन हर जगह वही यूज कर रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, कि मेन तो अपने को यही यूज करना है। अब यही चीज अलग अलग टाइप की क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो तुम इसी के थ्रू जाओ ना कि फाइनल सॉल्यूशन में टोटल मोल डिवाइडेड बाय फाइनल सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम, जिस भी चीज की बात हो रही है उसके लिए। तो ये था अपने पास मिक्सिंग से रिलेटेड। तो मिक्सिंग कैसे भी हो सकती है, सेम सॉल्यूट हो सकते हैं, अलग अलग सॉल्यूट हो सकते हैं,
दो सोल्यूट सेम हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है, या दो सेम हो सकते हैं, दो अलग हो सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम्हारे फिक्स कर रखा है कि इस लेवल से ऊपर अपन नहीं जाएंगे जेई वालों के लिए, तो स्पेशली एडवांस में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तुम किसी को कुछ नहीं बोल सकते कि ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया मेरे को। तो मेन कंसेप्ट मिक्सिंग का यही होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, कि जब भी तुम्हारे पास मिक्सिंग का क्वेश्चन आए तो तुमको फाइनल सॉल्यूशन के हिसाब से सोचना है कि फाइनली मेरे को क्या मिलेगा। और जब मोलारिटी पूछा जाएगा फाइनल में किसी भी चीज का, मोलारिटी या कंसंट्रेशन, तो उस पर्टिकुलर चीज के टोटल मोल कितने हैं, मोल में ही कैलकुलेशन करो, मोल ही निकालो तुम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये कंसेप्ट था अपने पास, इसमें इसको अगर तुमको समझ में आया तो क्वेश्चन को दोबारा करना। और फिर मैं बोल रहा हूँ मोलारिटी ही अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं 80-90% क्वेश्चन में, जो कंसंट्रेशन तुमको गिवन होगा वो मोलारिटी ही गिवन होगा। तो मोलारिटी वाला चीज तुमको समझ में आना चाहिए, तो इसको जाके तुम पढ़ना अच्छे से मिक्सिंग वाले को। इसमें दिक्कत होती है, ऐसा नहीं कि तुम्हें को दिक्कत हुई है, ये सबको दिक्कत होती है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें सबको दिक्कत होती है, लेकिन बात एक क्लियर तुमको होनी चाहिए वो चीजें, जब तक क्लियर नहीं हो तब तक तुमको पूछना चाहिए। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बताना, फिर अपन आगे बात करेंगे। हाँ तो ये हो गया अपने पास। यस सर, यस सर। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ जो अभी अपन कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन है वैसा ही कि 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 is mixed with 300 ml of 0.1 m एक मिनट, 0.1 नहीं करो उसको, 0.3 m ऑफ, हाँ 0.3 300 ml ऑफ 0.3 m HCl ले लो, HCl सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस Cl माइनस एंड SO4 टू माइनस इन फाइनल सॉल्यूशन। सेम वही क्वेश्चन है कि अपने पास ये H2SO4 का सॉल्यूशन रहा होगा, ये अपने पास HCl का सॉल्यूशन रहा होगा, इन दोनों को अपन ने मिक्स किया। तो एक तरीके से क्या करोगे, मिक्सिंग से पहले इनके मोल निकाल लो और इनके मोल के हिसाब से निकालो कितने H प्लस आते हैं, कितने SO4 माइनस आएगा, कितना Cl माइनस आएगा फाइनल सॉल्यूशन में। सोचो कैसे करोगे, तो सही आंसर आना चाहिए अब की बार। अच्छा, दोनों एसिड है ये तो समझ में आ रहा होगा कि H2SO4 भी एसिड है और HCl भी एसिड है, तो रिएक्शन तो होगी नहीं। अगर मैं एक एसिड ले लेता, एक बेस ले लेता, तब रिएक्शन होती कुछ, तब अपन बात करते रिएक्शन करके। तो अगला क्वेश्चन अपन रिएक्शन वाला लेंगे जिसमें एक एसिड मिलाएंगे, एक बेस मिलाएंगे। अभी दोनों एसिड है तो नॉर्मली वैसे ही हो जाएगा जैसे अपन ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये अपन ने मिक्स कर दिया, तो मिक्सिंग के बाद अपने पास HCl भी रहेगा और H2SO4 भी रहेगा। तो मोल के हिसाब से अपने को बात करनी है, तो HCl अपने को यहाँ से आया, तो HCl के मोल अपने पास कितने, 300 × 0.3 मतलब कितने आ गए, 90 हो गया ना, 90 mmol। H2SO4 के अगर अपन बात करें तो उसका वॉल्यूम अपने पास ये हो गया, मोलारिटी अपने पास ये हो गया, तो उसके मिलीमोल अपने पास। तो फाइनल सॉल्यूशन में अगर अपन बात करें तो फाइनल सॉल्यूशन अपने पास टोटल वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, 300 + 400 में डायरेक्ट ले जाओगे तो अपने पास आ जाएगा 400 ml। आपने जो पूछा क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन, Cl माइनस का कंसंट्रेशन और SO4 माइनस का कंसंट्रेशन, तो यहीं से आएगा इन दोनों से। तो इनके अगर मोल की बात करूं तो HCl के मोल अपने पास सिर्फ सॉल्यूशन वन से आएंगे जहां पे कितने मोल थे, 90 mmol, तो अभी भी कितने रहेंगे, 90 mmol रहेंगे। H2SO4 की अगर अपन बात करें तो सॉल्यूशन टू से आएंगे अपने पास H2SO4, तो जितने मिलीमोल वहां पे तो उतने यहाँ पे भी रहेंगे, 20 mmol। तो यहीं से तुमको H प्लस और Cl माइनस निकाल लेना है। तो वही रिएक्शन के फॉर्म में थोड़ा लिख के देख लो कि HCl की अगर अपन बात करें तो ये ब्रेक होता है किसमें, H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है।
तो HCl की अगर अपन बात कर रहे हैं तो HCl का अपने पास कितना था 90 ना, जब ब्रेक होगा तो H प्लस भी अपने पास कितना आएगा 90 मिलीमोल आएगा, और Cl माइनस भी अपने पास क्या आएगा 90 मिलीमोल आएगा। जब H2SO4 की अपन बात कर रहे हैं तो H2SO4 ब्रेक होगा किसमें 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, तो H2SO4 की अगर अपन बात करें तो इसके अपने पास कितने आ रहे 20 40 मिलीमोल ब्रेक होगा तो अपने पास इसके आएंगे 40 और इसके अपने पास आएंगे 20। तो अपने पास एक तरीके से फाइनल सॉल्यूशन में अपने को निकालना है तो फाइनल सॉल्यूशन अपने पास HCl- के मोल कितने 90, HSO4 2- के अपने पास कितने 20 और H+ के कितने हो जाएंगे 90 प्लस 40 130। तो H+ का कंसंट्रेशन अपन क्या लिखेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन में H+ के मोल 130 90 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 400, तो 13/40। तो मैंने सर जो इसका डेटा चेंज कर दिया था इसलिए मैं उसके हिसाब से देखा था। हाँ, ये हो गया अपने पास। और अगला अपने पास क्या है SO4 2-, तो इसके मोल अपने पास कितने आ रहे 20 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो कि अपने पास कितना है 400, ये कितना आ रहा है 0.05, वैसे कितना है 1/20 आ जाएगा ना, वैसे लिखो सबको। ओके सर 1/20 एम। यस यस सर। और Cl- की अगर अपन बात कर रहे हैं तो Cl- का अपने पास कितने आ रहे थे मोल 90/400 तुम इस तरीके से डायग्राम बना के जाओ, मेरे को भी सही लगा तो इस हिसाब से करना। हाँ, तो ये हो गया अपने पास। अगले क्वेश्चन में अपन ऐसा ही लेंगे लेकिन वहां पे वही एसिड बेस को मिक्स कराएंगे तो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब आगे आने वाले क्वेश्चंस में अपन रिएक्शंस को इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन एक में बता देता हूँ उसके बाद अगला तुम करना। तो अपने पास क्वेश्चन है कि 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 is mixed with 300 ml of 0.1 m H2SO4 sorry 0.1 m base लेना है ना, तो NaOH ले लो इसको, NaOH solution, then find concentration of H plus ion in final solution। तो मतलब अपने पास क्या हुआ वही सेम चीज इस वाले क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो अपने पास एक सॉल्यूशन था 100 ml of 0.2 m H2SO4 H2SO4 एसिड है, और 300 ml of 0.1 m NaOH, तो NaOH अपने पास क्या है बेस है। तो अब इसने बोला नहीं है कि यहाँ पर रिएक्शन होगा, ये चीज तुमको देख के समझ में आना चाहिए कि एक एसिड है एक बेस है तो दोनों के बीच क्या होगा रिएक्शन होगा। तो इस वाले में बता देता हूँ बाकी अगला तुमको खुद से करना होगा क्योंकि रिएक्शन आ रहा है थोड़ा सा। तो देखो अपने पास दो सोल्यूशन हो गया एक तरीके से, कि सोल्यूशन वन अगर अपन बोले तो किसको बोलेंगे H2SO4 को बोल दो। तो यहाँ पे अपन देखे तो H2SO4 का मोलारिटी अपने पास कितना है 0.2 m, वॉल्यूम अपने पास कितना है 100 ml। दूसरा सॉल्यूशन अपने पास किसका है NaOH का है, तो NaOH की अगर अपन बात करें तो मोलारिटी अपने पास कितना है 0.1 m, वॉल्यूम अपने पास कितना है 300 ml। तो कैलकुलेशंस तुमको सारी मोल्स के हिसाब से करनी तो मोल्स यहीं पे निकाल लिया करो, तो अपने पास मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो इसके कितने आ जाएंगे 20 मिलीमोल, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके आ जाएंगे 30 आ जाएंगे 30 मिलीमोल। अब मिक्स अगर अपन कर दे रहे हैं तो मिक्सिंग के बाद अपने पास क्या होगा कि जैसे ही मिक्स किया तो पहले तो अपने पास क्या रहेगा दोनों आएगा 20 मोल आएगा किसका H2SO4 का, 30 मोल आएगा किसका NaOH का। लेकिन जो एसिड बेस रिएक्शन होता है वो काफी फास्ट होता है, जैसे मिक्स किया तो अपने पास H2SO4 भी है
NaOH भी है लेकिन इनके बीच क्या हो जाएगी रिएक्शन Na2SO4 और H2O बन जाए और रिएक्शन होगी तो अपने पास क्या बनेगा NaCl प्लस सॉरी H2SO4 है यहाँ पे Na2SO4 प्लस H2O तो अब ये रिएक्शन अपने को कंसीडर करनी पड़ेगी तो देखो रिएक्शन अपने पास क्या हो रही है कि H2SO4 है प्लस बैलेंस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 2NaOH यहां से अपने पास क्या बन रहा है Na2SO4 प्लस H2O ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो अपन ने देखा इसमें कि मिक्सिंग से पहले जब अपन बात कर रहे थे तो H2SO4 अपने पास 20 मिलीमोल था NaOH अपने पास 30 मिलीमोल था मतलब जो रिएक्शन में H2SO4 जा रहा है एक तरीके से उसी के भी 20 है और NaOH के अपने पास कितने 30 है क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन में इतने मोल आ रहे दोनों के तो जो रिएक्शन की अपन बात करेंगे तो ये 20 मिलीमोल के साथ होगी H2SO4 होगा ये अपने पास 30 मिलीमोल के साथ होगी तो एक तरीके से इस रिएक्शन में अपने पास दो रिएक्टेंट है H2SO4 और NaOH दोनों रिएक्टेंट है दोनों रिएक्टेंट के मोल अपने को पता है बिल्कुल लगेगा कोई तो बोला ना कि अपने पास जो रिएक्शन थे उसमें दो रिएक्टेंट है H2SO4 और NaOH दोनों के मोल अपने को पता है एक की 20 है एक की 30 है ये मैं बोला ही था कि जब भी एक रिएक्शन आएगी और उस रिएक्शन में अगर दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के मोल अपने को पता है तो वहां पे तुमको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा क्योंकि अगर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का पता होता तब तो अपन बोल देते कि इसी के हिसाब से बाकी सारी कैलकुलेशन अपने को करनी है तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालो कौन आएगा NaOH साफ ही दिख रहा होगा इसमें तो ये अपने पास क्या हो गया LR हो गया तो देखो ये तो खत्म हो जाएगा रिएक्शन के बाद तो ये दोनों अपने पास बनेगा कुछ ना कुछ और ये कुछ बचा रहेगा तो रिएक्शन के बाद अपने पास NaOH तो गायब है तो रिएक्शन के बाद अपने पास क्या बचेगा H2SO4 बचेगा ये बनेगा और ये बनेगा तो H+ कहां से आएगा H+ तो सिर्फ H2SO4 से ही आ सकता है ना यार तो एक तरीके से अपने को ये निकालना है कि रिएक्शन के बाद कितना H2SO4 बचा है और उस बचे हुए H2SO4 से कितना H+ आएगा और उस H+ का अपने को कंसंट्रेशन निकालना है तो अगर अपन देखें तो वही स्टोइकोमेट्री अपन लगाएंगे तो इसके 1 मोल के साथ NaOH के 2 मोल रिएक्ट करते हैं या अपन उल्टा बोले क्योंकि NaOH अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए तो इसके 30 के साथ इसका कितना रिएक्ट करेगा 15 रिएक्ट करेगा तो H2SO4 अपने पास कितना बच जाएगा रिएक्शन के बाद 20 अपन ने लिया था 15 अपने पास रिएक्ट कर गया तो 5 मिलीमोल बच गया और जो H+ मिलेगा जो H+ अपने को मिलेगा वो यहीं से तो मिलेगा H2SO4 से क्योंकि Na2SO4 में तो H+ है नहीं और H2 जो है ये ब्रेक होता नहीं है क्योंकि ये तो कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है ना ही एसिड है मतलब ब्रेक नहीं होता है सिंपली ये हो गया अपने पास तो H2SO4 ही अपने पास ब्रेक होगा जो बचा हुआ है तो H2SO4 ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा 2H+ में और SO4 2- में ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया सर एक बार बता सकते हैं वाटर नहीं ब्रेक होगा नहीं वाटर ब्रेक होता है लेकिन देखो वाटर जब ब्रेक होता है ना अगर तुमको समझ में आए तो कोशिश करना मतलब ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि ब्रेक नहीं होता है लेकिन जब H2O ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होता है किसमें H+ और OH- में तो वाटर क्या करता है जितना H+ देता है ना उतना ही OH- देता है तो दोनों आपस में क्या कर देगा न्यूट्रलाइज कर देगा ये समझ में आया क्या हाँ सर तो वाटर तुम अभी यही मान के चलो कि नहीं देगा ये अपन बाद में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में जितना H+ देता है उतना OH- देता है तो नेट H+ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि H+ OH- आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसको भी छोड़ दो तो तुम ये मान के चलो अभी कि वाटर डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो अपने पास वाटर टूटेगा नहीं ऐसे मान लो Na2SO4 टूटेगा लेकिन वहां पे Na+ और SO4 2- आएगा वहां पे H+ तो आ ही नहीं रहा है NaOH अपने पास खत्म हो चुका है तो H2SO4 से ही अपने पास क्या आएगा H+ आएगा अभी समझ में आया क्या सर ये जो आप बोल रहे हैं Na सर H+ किससे आएगा सर ये बता दीजिए सर यही तो बताया अभी यार
सर नहीं आया NA, अरे NaOH में H प्लस है कहाँ? NaOH क्या हम किससे मिला होता है? Na प्लस तो OH माइनस साइन से मिला होता है, ठीक है ये तो H प्लस नहीं देगा। Na2SO4 में क्या है? Na प्लस से SO4 टू माइनस, ये भी तो H प्लस थोड़ी देगा, नहीं देगा। अच्छा ठीक, वो वाटर अपन बोल रहे कि ब्रेक होता ही नहीं है, ये ब्रेक ही नहीं होगा, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, तो अपने पास यही तो बचा है H2SO4। तो H2SO4 किस में ब्रेक होगा? टू एच प्लस और SO4 टू माइनस में, तो H प्लस यहीं से तो आ रहा है यार सिर्फ। यस सर, तो ये निकालना है अपने को। तो H2SO4 अपने पास कितना बचा था? 5 मिलीमोल बचा था। जब ये ब्रेक होगा तो H प्लस के कितने आएंगे? 10 मिलीमोल। SO4 टू माइनस के कितने आएंगे? 5 मिलीमोल, लेकिन उसका अपने पूछा ही नहीं है। तो H प्लस के अपने पास मोल कितने हो गए? 10 मिलीमोल हो गए फाइनल सॉल्यूशन में। वॉल्यूम अपन डिवाइड कर देंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन अपने पास क्या हो जाएगा? मोल ऑफ H प्लस दैट इज 10 मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि फाइनल की बात हो रहा है तो फाइनल टोटल मोल डिवाइडेड बाय फाइनल टोटल वॉल्यूम। तो अपने पास हो गया 10 मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो अपन ने कितना कितना मिक्स किया था? 100 प्लस 300। सर वो जो 15 रिएक्ट करेंगे वो भी तो बनाएगा, प्लस 300 अपॉन 40 कंसंट्रेशन। तो ये अपने पास कितना जाएगा? 1 अपॉन 40 मोलर। हां फिर किसी का कुछ डाउट आया था, क्या बोल रहे हो? सर जब वो 15 रिएक्ट करेंगे वो भी तो बनाएगा H2O। तो H2O बन गया ना, तो H2O से H+ कहां आ रहा है? क्या जी? तो थोड़ा नीचे कर दीजिए। हां तो देखो जो अपन ने क्वेश्चन में किया ना एग्जैक्ट वैसा ही मैं ये बोल रहा था देखो कि जो अपन ने बोला ना अभी एग्जैक्ट में एक्चुअल में भी ऐसा ही होगा कि अगर तुम Na2SO4 सॉरी NaOH और H2SO4 को सॉल्यूशन को मिक्स करते तो एसिड और बेस है। तो अपने देखो स्टार्ट कैसे किया, सेम चीज अगर तुम प्रैक्टिकली देखोगे तो प्रैक्टिकली भी ऐसा ही कुछ होता है। तो इस तरीके से अगर सोचोगे ना तो तुमको चीजों की फील भी आएगी कि जैसे अपन ने बोला यहाँ पे कि अपने दोनों सॉल्यूशन लिए, तो दोनों सॉल्यूशन मोल निकाल लिए, इसमें 20 है इसमें 30 है, तो एक एसिड है और एक बेस है, ये अपने पास एसिड है ये अपने पास बेस है। तो तुमको समझ में आना चाहिए कि जब मैं एक और एसिड और बेस को मिक्स करूंगा तो एसिड बेस हमेशा रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे इसके 20 मिलीमोल मिले अपने को मिक्स करने के बाद, इसके अपने को 30 था, इसके अपने को 30 मिलीमोल मिले, और जैसे एसिड बेस मिला तो उनमें रिएक्शन होगी, तो अपने देखो रिएक्शन करवा दी। अब रिएक्शन में अपने देखा कि अपने पास क्या है, जो एसिड है वो एक्सेस रिएजेंट है, तो अपने देखा कि एसिड अपने पास कितना बच रहा है, सोल्ट प्लस वाटर तो जो भी बनेगा, तो एसिड अपने पास बच जा रहा है इतना, क्योंकि अपने से H प्लस पूछा था इसलिए अपने एसिड की बात की। तो फिर उस बचे हुए एसिड से अपने H प्लस निकाला और फिर H प्लस से अपने को कंसंट्रेशन मिल गई। तो एक्चुअल में भी ऐसा ही होगा, जब भी एसिड बेस को मिक्स करोगे तो पहले रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तुमको मतलब कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा, जो अपने निकाला